कहानी की शुरुआत में हमें कुछ छोटे छोटे डायनासोर्स को दिखाया जाता है जो शिकार करने के लिए लड़ रहे थे। तभी वहाँ पर एक बड़ा डायनासोर आकर उन पर हमला कर देता है और अपनी जान बचाने के लिए ये सब पानी के अंदर भाग जाते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो किनारे पर वापस आ जाते हैं। उनमें से वो डायनासोर एक क्रिएचर को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर मेगलोडोन शार्क आ जाती है और वो इतनी बड़ी थी कि वो डायनासोर को पूरा खा जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहाँ जोनस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक कंटेनर में छुपा हुआ था, क्योंकि उस शिप से रेडियो एक्टिव केमिकल समुद्र में फेंके जा रहे थे। जोनस कैप्टन के केबिन में जाकर डॉक्यूमेंट्स की फोटो ले लेता है, लेकिन कैप्टन के केबिन में एक तोता भी था जिसके शोर मचाने से कुछ लोग अंदर आ जाते हैं। जोनस उनसे लड़ाई करते हुए बाहर की तरफ भागता है। वो सभी जोनस को घेर लेते हैं, लेकिन जोनस एक अच्छा फाइटर होता है और एक एक को वहीं पर गिरा देता है। इसके बाद कंटेनर के ऊपर जोनस को घेर लेते हैं। जोनस उन सब से कहता है कि तुम सब रेडियो एक्टिव केमिकल्स को समुद्र में फेंक रहे हो, ये सब गैर कानूनी है और मैंने सारे सबूत जमा कर लिया है। ये सब कहकर जोनस समुद्र में कूद जाता है। कैप्टन उसे कहता है कि किनारा यहाँ से 200 मील दूर है और तुम तैरकर वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तभी जोनस के दोस्त एक प्लेन लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं और वो जोनस को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लैब दिखाई जाती है जहाँ हम जुबिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो आर्टिफिशियल सूट टेस्टिंग कर रहा होता है। वो उस सूट की मदद से सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स भी तोड़ सकता है। इसके बाद ये सभी जोनस को एक पार्टी में इनवाइट करते हैं। पार्टी में जुबिन मेगलोडोन शार्क के बारे में बताता है, हमने इसे तब पकड़ा था जब ये बहुत छोटी थी। दुनिया में ये एक इकलौती शार्क है जो हमारी कैद में है, जो हमारी टेक्नोलॉजी की मदद से हमने थर्मोक्लाइंस को पार कर लिया। थर्मोक्लाइंस समुद्र के खाए में मौजूद सत्यान की एक परत है जो मेगलोडोन को इंसानों से अलग रखती है और समुद्र की जांच बारीकी से कर पाएंगे। मैग सबको बताता है कि एक इकलौता इंसान जो मेगलोडोन से लड़ा है वो हमारे बीच मौजूद है। और इसके बाद सभी लोग जोनस के साथ फोटो खींचने लगते हैं। जोनस और उसकी टीम मेनावन में डाइविंग करने के लिए जाने वाले थे। मिंग भी वहाँ जाने के लिए जिद करती है, लेकिन जोनस उसे मना करता है क्योंकि वहाँ पर बहुत खतरा था। मिंग की बहुत जिद करने के बाद जोनस मान जाता है और कहता है कि तुम्हें दूर से ही डाइविंग देखनी होगी। उधर जुबिन मेगलोडोन के पुल में उतर चुका था। जोनस और मिंग उसे समझाते हैं कि पानी से बाहर आ जाओ, मेगलोडोन को ट्रेन नहीं किया जा सकता, लेकिन जुबिन उनकी बात नहीं मानता। मेगलोडोन धीरे धीरे जुबिन की तरफ बढ़ने लगती है। जुबिन के पास एक डिवाइस था जिसका बटन दबाने से मेगलोडोन बिना नुकसान पहुंचाए वापस चली जाती है, लेकिन दोबारा से मेगलोडोन वापस आती है तो इस बार वो डिवाइस कंट्रोल में नहीं होता और वो मेगलोडोन जुबिन पर हमला कर देती है, लेकिन किसी तरीके से जुबिन बच जाता है। जोनस कहता है कि मेगलोडोन के पुल में उतरना बेवकूफी भरा काम है और अब ये लोग डाइविंग के लिए मेनावोन में पहुंचते हैं। मेगलोडोन को जिस पुल में कैद किया था वो समुन्दर से जुड़ा हुआ था। मेगलोडोन उस पिंजरे को तोड़कर भाग जाती है। जोनस अपनी टीम के साथ समुद्र में ड्राइव करने की तैयारी कर रहा था तब उन्हें सबमरीन में कुछ गड़बड़ होती है क्योंकि मिंग चुपके से सबमरीन के अंदर आ जाती है। जोनस कहता है कि सबमरीन को जल्दी से वापस लो, हम मिंग को खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन मिंग के जिद करने पर जोनस मान जाता है। तभी उन्हें मेगलोडोन का सिग्नल मिलता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि मेगलोडोन यहाँ पर कैसे आ गई। तभी जुबिन कहता है कि यह सिग्नल हमारी मेगलोडोन हाइजी की है और वो तेजी से हमारी तरफ आ रही है। हाइजी से बचने के लिए ये लोग तेजी से समुद्र में ड्राइव करते हैं। हाइजी उनका पीछा कर रही थी। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग थर्मोक्लाइन के अंदर चले जाते हैं क्योंकि कोई भी मेगलोडोन थर्मोक्लाइन को पार नहीं कर सकती। नीचे जाने के बाद ये लोग लाइट को ऑफ कर देते हैं क्योंकि मेगलोडोन लाइट से अट्रैक्ट होती है। वहाँ उसे दुनिया की सबसे बड़ी मेगलोडोन दिखाई देती है। इन लोगों को शक होता है कि मेगलोडोन झुंड में नहीं रहती, इतनी सारी मेगलोडोन एक साथ क्यों है, और उसका पता लगाने के लिए ये लोग उनका पीछा करने लगते हैं। मेगलोडोन का पीछा करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये लोग अपने साथी की तलाश कर रहे
हैं और इसलिए आईजी ने उस पर हमला किया था। वहाँ पर उसे एक डूबे हुए जहाज का मलबा मिलता है। लेडर से उसे जहाज से हिटिंग सिग्नल्स मिलते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये कोई जहाज नहीं बल्कि अंडर वाटर रिसर्च स्टेशन है। इन सबको हैरानी होती है क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी किसी के भी पास नहीं होती। इसके बाद हम सबमरीन के अंदर एक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ वहाँ पर खुदाई कर रहा था। उसने वहाँ पर हर जगह बॉम्ब बिछा रखे थे। उसका कंप्यूटर सिस्टम जोनस और उसकी टीम को सिग्नल देता है। एक्टर अपने लोगों से कहता है कि वहाँ से निकल जाओ, मैं ब्लास्ट करने वाला हूँ। वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ से इतनी जल्दी नहीं निकल सकते। तभी एक्टर वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट की वजह से वहाँ बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर गिरने लगते हैं। ये लोग उन पत्थरों से बचने की कोशिश करते हैं। ब्लास्ट की वजह से थर्मोक्लाइन में बड़ा होल हो गया था। इन लोगों का क्वार्टर भी टूट चुका था। मैक उन्हें ढूंढने के लिए सबमरीन तैयार करने के लिए कहता है, लेकिन किसी ने सबमरीन को जानबूझकर खराब कर दिया था। तभी जोनस कहता है कि हम सूट पहनकर पैदल इस रास्ते को पार करेंगे। जुबिन कहता है कि हमें 3 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा, हमारे सूट में इतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हमें ध्यान से रास्ता पार करना होगा। ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक साथी को हलचल महसूस होती है। इन लोगों को उसकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही ये लोग पीछे मुड़ते हैं तो उनका साथी गायब हो चुका था, लेकिन ये लोग रुक नहीं सकते, इसलिए ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। उधर वो आदमी भी जिंदा बच गया था जिसने वहाँ ब्लास्ट करके इन लोगों को मारने की कोशिश की थी। वो आदमी उस औरत के साथ फोन पर बात करता है। इसके लिए ये लोग काम कर रहे थे। वो कहती है कि जाओ और उन्हें मार दो। जोनस का दोस्त सीसीटीवी चेक करने के लिए कहता है, लेकिन पूरी स्टेशन की फुटेज डिलीट कर दी थी। इन लोगों की ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रही थी। अब ये लोग स्टेशन से थोड़ा दूरी थे। तभी इन लोगों पर क्रिएचर्स हमला करते हैं जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाए गए थे। इन्हीं क्रिएचर्स ने इनके साथी को खत्म कर दिया था। ये लोग उनसे फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो क्रिएचर्स उन पर भारी पड़ रहे थे। इनसे बचने के लिए ये लोग लाइट को ऑन कर देते हैं। क्रिएचर्स डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन लाइट्स को देखकर मेगलोडॉन वहाँ पर आ जाती है। मेगलोडॉन इनके दो साथियों को खत्म कर देती है। ये लोग मेगलोडॉन से बचते हुए स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं। इनके एक साथी का हेलमेट डैमेज हो चुका था। पानी के प्रेशर की वजह से हेलमेट फट जाता है और इनकी साथी मारी जाती है। अब ये बचते हुए लोग स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब पत्थर दिखाई देते हैं। जुबिन उससे कहता है कि इन पत्थरों को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूज किया जाता है। इस छोटे बैग की कीमत मिलियंस में होगी। मिंग कंप्यूटर की मदद से कॉन्टेक्ट करती है। जैसे बताती है कि किसी ने सबमरीन खराब कर दी है, इसलिए तुम्हें इमरजेंसी कैप्सूल तक पहुंचना होगा। ये लोग जैसे ही उस जगह पहुंचते हैं तो जेस उससे फिर से कॉन्टेक्ट करती है और उनके साथ सौदेबाजी करती है, जहां हमें पता चलता है कि जेस भी उन लोगों के साथ मिली हुई है। जेस जोनस को मारने के लिए कहती है, लेकिन वो उनकी बातों को नहीं मानते, इसलिए जेस सारी कैप्सूल को इजेक्ट कर देती है। जुबिन कहता है कि हम सभी यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन हमें स्टेशन के दूसरे हिस्से में जाना होगा। जोनस बिना सूट के पानी में तैरता हुआ स्टेशन के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है। जिस आदमी ने ब्लास्ट किया था वो भी उसी स्टेशन में मौजूद था। वो जोनस के साथ फाइट करता है। जोनस तैरने की वजह से बहुत थक चुका था, इसलिए वो जोनस को बहुत पीटता है। उधर मिंग और जुबिन के केबिन में पानी भरना स्टार्ट हो गया था। इधर जोनस उस आदमी के साथ लड़ाई कर रहा है और फाइनली जोनस उस आदमी को बेहोश कर देता है और चैम्बर के प्रेशर को रिलीज करके उन दोनों की जान बचा लेता है।
है। मैकोबी जेस के बारे में पता चल चुका था कि उसी ने सबमरीन खराब की है। जोनस अपनी टीम के साथ मरीन में भागने का प्लान बनाता है, लेकिन वह सबमरीन में हथियार नहीं थे। जुबिन कहता है कि स्टेशन की सारी लाइट्स ऑन कर दो, मेगलोडॉन लाइट्स पर हमला करेगी, और होता भी कुछ ऐसा ही है। मेगलोडॉन लाइट्स पर हमला करती है और इसका फायदा उठाकर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ब्लास्ट की वजह से थर्मोक्लाइन में होल हो गया था और उसके जरिए कुछ क्रिएचर समुद्र में आ जाते हैं। जेस उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो सब भाग जाते हैं। जोनस और उसकी टीम मेनावन में पहुंच चुकी थी। ये लोग सोल्जर से बचते हुए स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं। जिस आदमी ने जोनस पर हमला किया था वो भी स्टेशन पर पहुंच चुका था। जेस भी उस लेडी से बात करती है कि एक ग्लास मेक प्रूफ है, मेगलोडॉन इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तभी एक मेगलोडॉन उस ग्लास को तोड़कर जेस को खत्म कर देती है। ये लोग एक छोटी सी बोट में बैठकर वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। मैक कहता है कि हम इससे 100 मीटर भी नहीं भाग सकते, हम मेगलोडॉन का शिकार बन जाएंगे। जोनस कहता है हमें इंजन बंद रखना होगा और धीरे धीरे चप्पू चलाकर आगे बढ़ना होगा। ये लोग थोड़ी दूर पहुँचते हैं तभी एक मेगलोडॉन उनके आसपास घूमने लगती है। दुश्मन भी छोटी बोट से उनका पीछा करते हैं, लेकिन उनका इंजन ऑन था इसलिए मेगलोडॉन उन पर हमला कर देती है। जोनस मेगलोडॉन को मारने के लिए हथियार तैयार करता है। तभी उन्हें सिग्नल मिलता है कि मेगलोडॉन आइलैंड की तरफ बढ़ने लगी है। वो लोग भी आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। तभी एक ऑक्टोपस जैसा क्रिएचर उन लोगों को पानी के अंदर खींच लेता है और कुछ क्रिएचर्स किनारे पर आकर सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। जोनस वहाँ से सारे लोगों को निकलने के लिए कहता है और जोनस मिंग को भी टावर में छुपने के लिए कहता है और खुद जुबिन के साथ मेगलोडॉन को मारने के लिए चला जाता है। उधर लेडी के साथ सारे सोल्जर्स मारे जा चुके थे। वो लेडी एक गन उठाकर हेलीकॉप्टर में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन एक क्रिएचर उन पर हमला करके उसे भी मार देता है। उधर जोनस के दोस्त मदद करने के लिए टेलीफोन ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ की सारी लाइन काट दी गई थी। समुद्र में जाने के लिए एक ही जेट की मौजूद थी, इसलिए जोनस को अकेले ही समुद्र में जाना पड़ता है। जुबिन हथियारों का इंतजाम करने के लिए हथियारों के गोडाउन में जाता है, लेकिन सोल्जर्स उसी क्रिएचर से बचने के लिए उसी गोडाउन में छुपे होते हैं। जोनस एक मेगलोडॉन पर हमला करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वह जोनस को ही नीचे गिरा देती है। जोनस जैसे तैसे इंजन स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। सोल्जर्स इन लोगों को मारने ही वाले थे, तभी जुबिन बड़ी चालाकी से वहाँ से भाग जाता है। ब्लास्ट की वजह से सोल्जर्स और क्रिएचर मारे जाते हैं। जोनस और एक मेगलोडॉन पर हमला करता है, लेकिन इस बार वो मेगलोडॉन को मार देता है। जुबिन मैक के साथ हेलीकॉप्टर लेने के लिए जाता है, जहाँ जुबिन उस क्रिएचर का ध्यान भटकाता है और मैक हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाता है, लेकिन क्रिएचर ने जुबिन को देख लिया था। जुबिन किसी तरह मारकर हेलीकॉप्टर में लटक जाता है। वो लोग एक ब्लास्ट के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। उधर वो बड़ा ऑक्टोपस एक एक करके सारे लोगों को खत्म कर रहा था। उधर वो आदमी जोनस पर फायरिंग करता है ताकि वो मेगलोडॉन को मार ना सके। हेलीकॉप्टर से मिंग की तरफ जुबिन हाथ बढ़ाता है, तभी वो हेलीकॉप्टर को पानी में खींच लेता है। मेगलोडॉन जोनस पर हमला करती है, लेकिन जोनस खुद को बचा लेता है। जोनस उस आदमी को मेगलोडॉन के मुंह में फेंक देता है। यहाँ वो ऑक्टोपस जुबिन को भी पानी के अंदर खींच लेता है। जुबिन वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करता है, लेकिन ऑक्टोपस को कुछ भी नहीं होता। तभी एक मेगलोडॉन उस ऑक्टोपस पर हमला करती है। ऑक्टोपस पूरी ताकत के साथ मेगलोडॉन को जकड़ लेता है, लेकिन मेगलोडॉन इतनी ज्यादा ताकत भरी थी कि वो एक ही झटके में ऑक्टोपस को खत्म कर देती है। जुबिन मैक को बचाने के लिए फिर से पानी के अंदर जाता है, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर के मलबे के नीचे दबा हुआ था। मेगलोडॉन भी उसकी तरफ आगे बढ़ती है। जोनस हेलीकॉप्टर की ब्लेड की मदद से
मेगलोडॉन का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही मेगलोडॉन उस पर हमला करती है, जोनास उस ब्लेड को मेगलोडॉन के आर पार कर देता है, उस मेगलोडॉन को खत्म कर देता है। यहाँ पर कुछ क्रिएचर्स किनारे पर आकर कुछ लोगों पर हमला करते हैं, लेकिन जोनास का दोस्त क्रिएचर को मार देता है। जबकि ये तीनों पानी में थे तो एक मेगलोडॉन उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वो हाजी थी और वो जुबिन को पहचान कर वहाँ से चली जाती है। ये सभी क्रिएचर को खत्म करने के बाद ये सभी खुश होते हैं और फाइनली ये सभी सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।